क्लास है ना यहाँ पे, ये चलने लगे। क्लास लड़के भी है महोदय, सभी विद्वान शिक्षक शिक्षिकाएं और समस्त विद्यालय परिवार, प्यारे छात्र छात्राओं, जैसे कि आपको विदित था 31 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। और जैसे आपको ये भी विदित है कि कल 31 अक्टूबर को संडे होने के कारण से इस दिवस को न मना पाए, और जो दिशा निर्देश विभाग से आ रखे हैं वो भी इसी प्रकार से दिशा निर्देश है कि जिस दिन कोई अगर जो है राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय त्यौहार या कोई जो है दिवस हो जाता है उसको जो है नेक्स्ट डे भी मनाया जा सकता है, मना सकते हैं, मनाना कंपल्सरी है। वो तो एक 1875 को हमारे देश के जो प्रथम जो है वो प्रधानमंत्री थे, प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका जन्म हुआ था। और हमारे सभी बच्चे जानते हैं सन 1947 में भारत आज़ाद हो गया था। आज़ादी के समय देश आज़ाद तो हो गया था, लेकिन आज़ादी के समय भारत के सम्मुख तीन प्रकार की चुनौती थी, प्रमुख रूप से तीन प्रकार की चुनौती थी। एक चुनौती थी राष्ट्र एकता के क्षेत्र में बांधे रखना, यानी राष्ट्र एकता स्थापित करने की चुनौती, नंबर वन। नंबर टू थी लोकतंत्र को कायम रखने की चुनौती, और तीसरी थी विकास की चुनौती। अब जो है राष्ट्र एकता को स्थापित करने की चुनौती थी, इस क्रम में सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्होंने जो है जो 565 रियासतें थी उनको भारत में मिलाने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया। सभी राजाओं से, जो सभी रजवाड़ों के राजाओं से एक जो है भारत विलय दस्तावेज, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कराए, और उसके बाद जो है मोस्टली 565 में से सैकड़ों राजाओं ने संबंधित रजवाड़ों के जो है जो प्रमुख थे उन्होंने यह सहमति दे दी, ठीक है हम भारत में मिलना चाहते हैं। क्या आपको लगता था कि भारत आज़ाद भी हो गया और आज़ाद होने के बाद छोटे छोटे राज्य बने, छोटे छोटे राजवाड़े बने, अच्छा लगता है? लगता है अच्छा? नहीं लगता था, नहीं लगता था, क्योंकि अब जो देश एक हो गया था। तो ये काम जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये काम जो है सारे रियासतों को भारत संघ में मिलाया, भारत देश में मिलाया। और जैसे मैंने जो है